नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ईडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलते हैं क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस जिनके माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, साथ ही दबाएं बेल आइकन को, जिससे आप लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकें। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा 7th पे कमीशन के बारे में, साथ ही साथ 7th पे कमीशन में वेतन, प्रमोशन और इंक्रीमेंट के बारे में। दोस्तों, ये जो आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, वो है पे मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स यानी ये शीट जो जनरेट की गई है, जो निकाली गई है, इसमें इस चीज़ के बारे में बताया गया है, इस चीज़ को इंक्लूड किया गया है कि जो अभी तक का सिस्टम चल रहा था, जिस हिसाब से सैलरी का कैलकुलेशन और दी जाती थी जिस हिसाब से, तो उस हिसाब से उस उन पॉइंट्स को भी इंक्लूड किया गया है, जैसे कि ग्रेड पे है, पे बैंड है, वो यहाँ पर बताए गए हैं। और साथ साथ में जो नया 7th पे कमीशन यानी 7वां आयोग जो है, वेतन आयोग, उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन रहेगी और जो चीज़ें इंक्लूड होंगी, इसमें शामिल होंगी, उनको एक मिलाकर ये शीट बताई गई है, ताकि लोग पुराने और नए के हिसाब से अभी ये समझ सकें किस हिसाब से ये गणना इसमें होनी है, कैलकुलेशन होनी है। तो ये एक तरीका है जिससे आप समझ सकते हैं। अब इस शीट को हम थोड़ा समझेंगे, जिससे आप समझ सकें कि कैसे 7th पे कमीशन में ये वर्क करेगा, ये काम करेगा और क्या इसकी कंडीशंस रहेंगी। तो चलिए इसको समझते हैं। अब हम एक एक करके इसको आसानी से समझते हैं। सबसे पहले टॉप पर आपको दिखाई दे रहा होगा पे बैंड। जो लोग नए हैं, वो अगर पे बैंड के बारे में नहीं जानते, तो मैं बता देता हूँ। जो पहले से जॉब में हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो तो इसके बारे में जानते ही होंगे, तो मैं बता देता हूँ। जो नए भर्ती होते हैं, जो नए रिक्रूट होते हैं कर्मचारी, उनको किसी ना किसी पे बैंड के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है। आप जब पेपर में इश्तहार देखते होंगे, कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं जॉब का, तो उसमें ये पे बैंड हमेशा बेसिक सैलरी के साथ बताया गया होता है कि आपकी जो पोस्ट है उस पर क्या पे बैंड रहेगा, उसके अंतर्गत नियुक्ति की जाती है। तो जो ऊपर पे बैंड है, अलग अलग पे बैंड्स रहते हैं। सेकंड नंबर पर है ग्रेड पे। ग्रेड पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आपकी बेसिक सैलरी और आपकी ग्रेड पे को मिलाकर ही आपके अलाउंसेस जो भी मिलते हैं, आपको भत्ते आपके, उनका कैलकुलेशन किया जाता है। यानी आपकी बेसिक सैलरी में ये ग्रेड पे जुड़ती है। तो जिस ग्रेड पे आप अपॉइंट होते हैं, जो ग्रेड पे आपकी होती है, उसको जोड़ा जाता है बेसिक में, और हिसाब से आपकी सैलरी के भाग पर आप कैलकुलेशन करते हैं अलाउंसेस की। तो ये ग्रेड पे रहती थी अभी तक के जो सिस्टम चलता था। अब जो 7th पे कमीशन है, और उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेंगे, वो रहेंगे लेवल और एंट्री पे। आप अब तक जो पेपर में, न्यूज़पेपर्स में, या कहीं भी जो जॉब्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए जो इश्तिहार देखते होंगे, जो नोटिफिकेशंस देखते होंगे, उनमें हमेशा पे बैंड और बेसिक सैलरी को बताया जाता था कि क्या पे बैंड रहेगा, क्या सैलरी रहेगी बेसिक, ये बताते थे इश्तिहार में उसमें। और लेकिन अब अगर 7th पे कमीशन में कहीं आपको शायद देखने मिल सकता है कि जॉब के लिए जब आप जो नोटिफिकेशन देखेंगे, जो पेपर में इश्तिहार देखें या कहीं भी देखें, उसमें जो लिखा होगा, वो शायद लिखा हो लेवल और दूसरा आपकी एंट्री पे। अब आप ये लेवल और एंट्री पे से कैसे जानेंगे, अगर आप नए किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या नई भर्ती हो रहे हैं या आपकी, या हो गई है, तो कैसे जानेंगे, ये मैं बता देता हूँ। अब इसमें एंट्री पे को समझते हैं। एंट्री पे, जैसे आप नाम से ही समझ रहे होंगे, एंट्री पे यानी कि जब आप एंट्री करने जा रहे हैं, यानी जॉब में शुरुआत करने जा रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं, या जो आपकी एंट्री पे रहेगी, यानी जब आप जॉब ज्वाइन करेंगे, तो आपकी शुरुआती पे जो रहेगी, वो इसमें बताई जाएगी। अब मान लीजिए कि इसमें ये दिखा रखा है कि 7,000 रुपये एंट्री पे है, और लेवल आपका जो बताया जाएगा, वो लेवल होगा 1 मान लीजिए। तो फर्स्ट लेवल पे, यानी फर्स्ट लेवल पे एंट्री पे 7,000 के साथ में अगर आपकी नियुक्ति होती है, तो आपकी जो मिनिमम सैलरी रहेगी, यानी कम से कम, यानी मिनिमम जो आपको मिलेगी ही,
वो रहेगी 18,000 रुपये, और ये 18,000 होंगे बिना अलाउंसेस के, यानी इसमें अलाउंसेस शामिल नहीं है, वो भी इसमें जुड़ेंगे तो यानी ये और ज़्यादा जाएगी। तो समझ में आने में इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आपका लेवल और आपकी एंट्री पे के हिसाब से ये डिसाइड किया जा रहा है कि आपकी मिनिमम सैलरी कितनी रहेगी इसमें। अब आप समझ गए होंगे कि लेवल और एंट्री पे क्या है, तो इसी हिसाब से देखते हैं, जैसे आगे आगे दिखाई दे रहा होगा आपको। अब ये लेवल बढ़ते जाते हैं, 18 लेवल तक जाता है ये, 1, 2, 3, 4 जैसे आपको दिख रहे होंगे इसमें। और अगर आपका प्रमोशन, मान लीजिए आप लेवल 1 पर नियुक्त होते हैं और आपका प्रमोशन नहीं होता है, और तो भी आपकी सैलरी साल दर साल बढ़ेगी, क्योंकि 7th पे कमीशन के अनुसार 3% हर साल इसमें आपको इंक्रीमेंट दिया जाएगा। तो अगर आपका इनकेस प्रमोशन नहीं भी होता और आपने 7,000 की बेसिक सॉरी एंट्री पे और लेवल 1 पे ज्वाइन करते हैं, तो ये आगे आने वाले समय में कैसे बढ़ेगी, ये इस मैट्रिक्स में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं इसमें सामने दिखाई दे रहा है, तो इस तरह से ये बढ़ती जाएगी। और ये 40 साल तक का दे रखा है इसमें, मैंने अभी इसमें जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको केवल 7-8 साल या 9 साल का दिख रहा होगा, आगे 40 साल तक की पूरी कैलकुलेशन आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स के माध्यम से, इस शीट के माध्यम से। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, ये तो ही अगर आपका प्रमोशन नहीं होता है, अगर प्रमोशन हो जाता है तो अब वो प्रमोशन के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप लेवल 1 पे अपॉइंट हुए हैं और आप उसके लिए पात्र होंगे, जैसे ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, इंडेक्स एंट्री पे लेवल और इंडेक्स, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये दिख रहा होगा 2.57 जो दिखाई दे रहा है इंडेक्स लेवल 1 पे, उसी तरह से आगे के लेवल्स के लिए अलग अलग इंडेक्स है। तो ये इंडेक्स का मतलब है कि इतने टाइम के बाद आप, मतलब इतनी साल की जॉब करने के बाद ही आप एलिजिबल होंगे, एक पात्र होंगे प्रमोशन के लिए। अब ये डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है कि आपको प्रमोशन दिया जाता है या कैसे दिया जाएगा, लेकिन आप पात्र हो जाएंगे इतनी मिनिमम इस पोस्ट पर, इस लेवल पर इतनी जॉब करने के बाद। तो अगर इतने टाइम के बाद आपका प्रमोशन हो जाता है, मान लीजिए आप अभी जॉब कर रहे हैं लेवल 1 पे और आपकी ये सैलरी बढ़ रही है और आप पहुंच जाते हैं, मान लीजिए ये इसमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, अब मान लीजिए आप लेवल 1 पर काम कर रहे हैं, आपकी नियुक्ति हुई है और उसके बाद आप लगभग 5 साल काम कर चुके हैं अपनी जॉब पर, और उसके बाद आपको प्रमोशन मिलता है, आपको प्रमोशन मिल जाता है आपका, तो जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 5वें साल में आपकी जो सैलरी दिखाई दे रही है स्क्रीन पर लेवल 1 पर, वो है 20,300। अब अगर आपका इस समय प्रमोशन हो जाता है 5वें साल में, तो आपको जो सैलरी मिलेगी नए लेवल के अनुसार, यानी कि लेवल 2 के अनुसार, वो होगी 22,400, जो कि जस्ट सामने दिख रही होगी आपको 20,300 के लेवल 2 के कॉलम में, देखिए आप। तो इस तरह से प्रमोशन में आपकी जो सैलरी होगी वो बढ़ेगी, इस तरह से आप अगर जब प्रमोट होते हैं, तो बहुत ही सिंपली तरीके से आप ये देख सकते हैं कि आसानी से इस मैट्रिक्स के साथ में, कि अगर आप प्रमोट होते हैं तो क्या सैलरी का आपका चेंज आता है। पहले ये जानना थोड़ा मुश्किल होता था, ये इसमें आसान हो गया है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, 7th पे कमीशन के लागू होने के बाद जो भी नए रिक्रूटमेंट्स होंगे, जो भी नई भर्तियाँ होंगी, वो 3rd लेवल से, यानी कि लेवल 3 से होंगी, यानी 21,700 मिनिमम सैलरी रहेगी एंट्री पे, 8,460 से रुपये से स्टार्ट होगी नए पोस्टिंग्स के लिए। पहले के जो 2 लेवल रहेंगे, यानी लेवल 1 और लेवल 2, वो उन कर्मचारियों के लिए रहेंगे, उन लोगों के लिए रहेंगे जो कि ऑलरेडी 1800 और 1900 रुपये की ग्रेड पे के साथ काम कर रहे हैं, और या फिर 7th पे कमीशन लागू होने से पहले अपॉइंट होंगे इस ग्रेड पे के अंतर्गत, वो भी इसके ज़रिए देख सकें, अपना कैलकुलेशन समझ सकें कि क्या रहेगा उनके लिए। ये जोड़ा गया है, इसमें शामिल किया गया है, तो उससे भी ये जान सकेंगे कि वो
क्या कैलकुलेशन रहेगी उनके आगे आने वाले सालों में उनकी सैलरी और उनके प्रमोशन के स्ट्रक्चर की। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया आपको ग्रेड पे और पे बैंड का सिस्टम एक तरह से ख़त्म होगा, और इसमें सेवन पे कमीशन में जो मेन चीज़ रहेगी वो रहेगी एंट्री पे लेवल और इंडेक्स। इन तीनों के आधार पर ही आपकी सैलरी, आपके प्रमोशंस की कैलकुलेशन की जाएगी। ये सिंपलिसिटी से बात समझने की है। इसमें नए कर्मचारी अपना लेवल के हिसाब से अपनी सैलरी का अंदाज़ा लगाएं अपनी वेतन का, और जो पुराने कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं वो अपने ग्रेड पे और पे बैंड के अनुसार अपने लेवल को चेक कर लें इसमें और जान लें। तो ये थी सातवें वेतन आयोग सेवन पे कमीशन की डिटेल्स पे मैट्रिक्स की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, साथ ही दबाएं बेल आइकन को, जिससे आप लेटेस्ट वीडियो अपडेट प्राप्त कर सकें।